जबलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने व्यापारी को चाकू मार दिया। घटना के बाद आरोपी जहां मौके से फरार हो गया तो घायल के कंधे में ही चाकू फंसकर रह गया। इसके बाद वह घायल अवस्था में ही थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि पड़ोस में ही रहने वाले अमन जैन ने पुरानी रंजिश के कारण उनके कंधे में चाकू घोंप दी। घटना के बाद गोरखपुर थाना प्रभारी MT नागोटिया ने बताया कि घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पर की डॉक्टरों की टीम ने घायल प्रदीप दुबे का ऑपरेशन कर चाकू निकाला। जानकारी के मुताबिक घायल प्रदीप दुबे का पड़ोस में ही रहने वाले अमन जैन से लंबे समय से पुराना विवाद चल रहा था। यही पुराना विवाद रविवार की रात एक बार फिर उपजा। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। इसी बीच अमन जैन ने चाकू निकाला और इसलिए प्रदीप के कंधे में मार दिया। चाकू कंधे में जाकर फंस गया। इधर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अमन जैन मौके से फरार हो गया। गोरखपुर थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही अमन जैन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घायल प्रदीप दुबे की हालत अब खतरे से बाहर है। उसे भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये प्रदीप दुबे हैं, विजय विजयनगर रामपुर छापर के निवासी है। इनकी दुकान के पास कल अमन जैन से इनका पुरानी बुराई पर से विवाद हुआ, जिससे क्रुद्ध होकर के अमन जैन ने इनके हाथ पे चाकू मार दिया है। और जो तत्काल वहाँ से वो हॉस्पिटल चले गए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही, शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। कितने बजे की घटना है? रात्रि की घटना है।